गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना कक्षा 5। लेसन है आपके रचना में से सेकंड लेसन का नाम है संवाद लेखन। इसमें हमने दो संवाद पढ़ लिए थे। पहला था आपका मित्र पांचवी कक्षा में पूरे बोर्ड में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए संवाद लिखिए। और दूसरा था दो सहेलियों का वार्तालाप लिखिए, जिसमें एक डॉक्टर बनना चाहती है और दूसरी अध्यापिका बनना चाहती है। अब आगे हम तीसरा पढ़ेंगे। तीसरे संवाद में है आपके हिंदी की पुस्तक मांगने के लिए दो छात्रों के बीच हुए संवाद को लिखिए। पहला छात्र, नरेश भाई देवेश कैसे हो? अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? नरेश, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तुम्हारी हिंदी की पुस्तक चाहिए। देवेश, ज़रूर दे दूँगा, पर मुझे भी काम करना है, तुम शाम को मेरे घर से ले जाना। नरेश, धन्यवाद देवेश, मैं शाम को 6 बजे आ जाऊँगा। देवेश, स्वागत है, मैं प्रतीक्षा करूँगा। यहाँ पर दो मित्र हैं। पहला मित्र जो है वो अपने दूसरे मित्र से बुक लेने जाता है, तो पहला मित्र कहता है कि मेरा काम बाकी है, तुम शाम को आना और ले जाना। तो पहला मित्र कहता है कि ठीक है, मैं शाम को 6 बजे आऊँगा और ले जाऊँगा। तो दूसरा मित्र कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, अवश्य ही तुम ले जाना। अब चौथा है छात्रों और अध्यापक के बीच हुए परिचयात्मक संवाद को लिखिए। यहाँ पर छात्र और अध्यापक, उन दोनों के बीच में आपसी जो बातचीत है, एक दूसरे का परिचय है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। रोहित, नमस्कार सर जी। अध्यापक, नमस्कार, कहो बेटे। रोहित, सर आप क्या पढ़ाते हैं? आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बच्चा है जो अपने अध्यापक से बात कर रहा है और पूछ रहा है कि आप क्या पढ़ाते हो और मुझे आपका नाम जानना है। अध्यापक, ब्रजेश शर्मा नाम है मेरा, हिंदी पढ़ाता हूँ, तुम्हारा परिचय क्या है? अध्यापक कहता है कि मैं ब्रजेश शर्मा हूँ और हिंदी पढ़ाता हूँ, तुम्हारा परिचय क्या है? रोहित, मैंने अभी कक्षा 5 में प्रवेश लिया है, मेरा नाम रोहित है। तो बच्चा कहता है कि मैंने अभी ही इस कक्षा में प्रवेश लिया है 5 में और मेरा नाम रोहित है। अध्यापक, कहाँ रहते हो? अध्यापक जी पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो? तो रोहित, यहीं पास में 4 बाग मोहल्ले में मकान नंबर D215 में रहता हूँ। अध्यापक, ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करना। तो अध्यापक कहते हैं कि ठीक है, आप मन लगाकर पढ़ाई करना। रोहित, मैं अवश्य ही परिश्रमपूर्वक पढ़ाई करूँगा, धन्यवाद श्रीमान जी। बच्चा कहता है कि मैं अवश्य ही अच्छा मन लगाकर पढ़ाई करूँगा, धन्यवाद आपका। अब आपके आखिरी पांचवा है दुकानदार और ग्राहक के बीच हुए संवाद को लिखिए। पांचवे में आपके है एक दुकानदार है और एक ग्राहक है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिसे हमको लिखना है। पहला है, ग्राहक 1 किलो सूजी और 1 किलो चीनी दे दीजिए। ग्राहक कहता है कि आप मुझे 1 किलो चीनी और 1 किलो सूजी दे दीजिए। दुकानदार, ये लीजिए दोनों पैकेट और क्या दूँ? दुकानदार कहता है कि ये दोनों पैकेट ले लीजिए और आपको क्या दूँ? ग्राहक, एक पैकेट साबुन की और दे दीजिए। दुकानदार, यह लीजिए। ग्राहक, कितने पैसे हुए? दुकानदार, कुल 120 रुपये देने हैं। ग्राहक, यह लीजिए 120 रुपये, अच्छा चलती हूँ। दुकानदार, धन्यवाद, फिर आइएगा। अब आगे जो आपके इसमें अभ्यास वर्क में आपके दिए हुए हैं संवाद लेखन, वो आपको मैं PDF कर दूँगी।